राजस्थान की एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। जोधपुर उदयपुर में बीते दो दिन से हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। जोधपुर में भारी बारिश से चामुंडा नदी उफान पर है। जोधपुर जैसलमेर रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बहने के कारण ट्रैक को भी नुकसान हुआ। आज सुबह से यहां दो ट्रेनें कैंसिल हुई और एक ट्रेन को रास्ते में रोका गया। वहीं जोधपुर शहर में भी नदियों की तरह पानी बह रहा है। इधर उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भी बुधवार सुबह 7 बजे लंबा जाम लग गया। जगह जगह पानी भरने से वाहनों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। दोपहर करीब 1:15 बजे जाम खुला। 3 दिन से हो रही लगातार बरसात के कारण बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में बड़े डैम के गेट खोले गए। पाली के सोजत में सुकड़ी नदी में अचानक पानी का बहाव बढ़ने के कारण बाइक सवार बुआ भतीजा रपट पर बह गए। पास में शमशान में दाह संस्कार के लिए आए लोगों ने तौलियों की रस्सी बनाकर 20 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल बागड़ी और सोजत रोड के बीच रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ओसिया और तिवरी रेलवे स्टेशनों के बीच अत्यधिक जलभराव हो गया। रानीखेत एक्सप्रेस को ओसिया से में रोक दिया गया। जैसलमेर काठगोदाम एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया। अब ये ट्रेन आज परिवर्तित मार्ग पर फलोदी, बीकानेर, रतनगढ़ और चुरू होते हुए काठगोदाम जाएगी। इसमें अतिरिक्त साबरमती एक्सप्रेस और रोनीचा स्पेशल ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। वहीं उदयपुर में भारी बारिश के कारण उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर सुबह 7 बजे से कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हाईवे पर जगह जगह पानी भर गया। टोंक में भी बरसात के कारण चाकल नदी उफान पर है। मंगलवार को नदी के रपट पर एक युवक बाइक सहित फंस गया। युवक को करीब 11 घंटे के बाद बुधवार सुबह निकाला गया। आज भी राज्य के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 7 सितंबर तक राजस्थान में मानसून के एक्टिव रहने की संभावना जताई है।